बीजेपी रकिन पार्लियामान ने पुलिस कांस्टेबल को मारा थप्पड़, मामला दर्ज। बीजेपी रकिन पार्लियामान रेखा वर्मा ने मबीना तौर पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल श्याम सिंह ने दोबारा से रकिन पार्लियामान रेखा वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। रिपोर्टों के मुताबिक ये वाकया गुज़श्ता रोज़ इतवार को पेश आया था। बताया जाता है कि बीजेपी रहनुमा अपने हुक्म को फौरन बचाना लाने में नाकामी की वजह से कांस्टेबल पर इतनी नाराज़ हो गई कि वो अपना आपा खो बैठी और कांस्टेबल को लपड़ मार दिया। कांस्टेबल श्याम सिंह ने साफियों से कहा, रकिन पार्लियामान ने मुझे नाजीबा कलिमात भी कहे, बगैर किसी वजह के मुझे थप्पड़ मारा और वहां से फौरन चली गई। मैंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। ज़राए के मुताबिक रेखा वर्मा लोकसभा इंतखाब में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए महमूदी नामी मकाम के एक मंदिर में बीजेपी कारकुनान की जानिब से मुनाकदा एक तकरीब में शामिल होने के लिए गई थी। तकरीब में शिरकत के बाद रकिन पार्लियामान का काफिला इतवार को देर रात गए रवाना हुआ। हालांकि इनके जाने के फौरी बाद रेखा वर्मा ने मुबीना तौर पर फ़ोन पर एक कांस्टेबल को बुलाया। श्याम सिंह उनके काफिला की जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे उसे रोकने के लिए कहा। रेखा वर्मा ने कांस्टेबल से कहा कि वो श्याम सिंह को उनके पास लेकर आए और फिर मुबीना तौर पर श्याम सिंह को गाली देना शुरू कर दी और थप्पड़ मार दिया। रकिन पार्लियामान ने पुलिस कांस्टेबल को धमकी भी दी कि वो सुधर जाए वरना मरवा देंगे। मंडी में पोस्ट हूँ कांस्टेबल श्याम सिंह। कल माननीय सांसद जी का दोबारा सांसद बनने पे चेयरमैन जी के आवाज़ पे उनका रेखा वर्मा चेयरमैन साहब के आवाज़ पे उनका जो है स्वागत रखा गया था, जिसमें हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई हुई थी। जब ड्यूटी समाप्ति के बाद हम लोग उनका एस्कॉर्ट करने के लिए उनके बॉर्डर तक छोड़ने के लिए गए, जिसमें मैं कांस्टेबल पंकज राजपूत, कांस्टेबल विवेक रावत, SI गौरव सिंह, SI अरुण कुमार, पांच लोग मौजूद थे। बॉर्डर तक छोड़ने के बाद पंकज इनका पहले गना रहा है माननीय सांसद जी का, उनकी उसने पूछा कि जो मैडम से मैं पूछ लेता हूँ कि यहीं तक छोड़ना है कि आगे, तो मैडम से उसने बात की। मैडम ने कहा यहीं से जो है आप लोग यहाँ से जो है रिटर्न हो जाइए। हम लोग उस गाड़ी में, पंकज ने कहा रिटर्न कर लीजिए, हम लोग तुरंत वहाँ से रिटर्न हुए। वो सांसद जी आगे अपनी निकल गए। हम लोग 500 मीटर या 1 किलोमीटर समथिंग दूरी पे पहुँचे थे, पंकज के पास दोबारा फ़ोन आया माननीय सांसद जी का। उन्होंने कहा कि गाड़ी रोक दीजिए और वापस आ जाइए। तो पंकज ने मुझे बताया कि गाड़ी रोक दीजिए और वापस चलिए, मैडम बुला रहे हैं, साहब कहीं जाना है। तो हम गाड़ी मोड़ ही रहे थे तब तक माननीय सांसद जी वापस आ गई और सभी लोगों को उन्होंने बुलाया। हम गाड़ी पे, तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी में उस समय मैं गाड़ी चला रहा था, उन्होंने ड्राइवर को बुलाई है। मैं पास में गया, उन्होंने पास बुलाया, मैंने कहा जी मैम आदेश करें। तो उन्होंने कहा कि जो है बहुत बड़े नेता बन गए हो, मैं चर्बी चढ़ गई है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बेइज्जत करना शुरू किया। मैंने कारण पूछा तो कारण ना, कोई भी कारण ना बता के सब अभद्रता की मेरे साथ। उसके बाद जो है उनसे कोई भी कारण, बिना कोई कारण बताए वहाँ से चली गई, जिस तरीके से मुझे काफ़ी क्षति हुई है। अभद्रता में क्या किया, गाली गलौज किया है, थप्पड़ मार दिया, वही अभद्रता में हमारे साथ की, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे। विरोध नहीं किया? मैंने विरोध उनसे कारण पूछा, उतने में वो शीशा चढ़ाई और वापस चली गई, एक मिनट वहाँ रुकी नहीं। शिकायत किसकी आपने कही? इसकी शिकायत मैंने कोतवाल साहब से की, अपने अधिकारियों को बताया और उसकी तहरीर भी मैंने दी है, मुकदमा भी लिखा नहीं गया है, लिखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उच्च अधिकारी आप पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई अधिकार दबाव नहीं बनाया जाए। लगता है न्याय मिलेगा आपको? जी बिल्कुल मिलेगा।